वहां पे तिलापिया फिश हेलो और आज आप लोगों की मुझे थोड़ी सी जरूरत है और आपकी गाइडेंस की भी जरूरत है क्योंकि आप जैसे को पता है जो इसमें येलो सिक्लेट थी और ये सब फिश से काफी ज्यादा मार रहे थे वो भी दो साल बाद क्योंकि वो बचपन से इनके साथ ही थी लेकिन दो साल बाद पता नहीं इन्हें क्या हुआ कि उसे अटैक करने लग गए लेकिन उससे अच्छा हुआ मैंने उसे वापस कर दिया अपने दुकानदार के पास क्योंकि मैंने सोचा इसमें रखूँ लेकिन फिर मैं सोचा अकेले उसमें रखने से कोई मतलब नहीं है उससे अच्छा मैं उसे वापस कर देता हूँ दुकान वालों के पास तो मैंने उसे दुकान वाले को दे दिया और वो भी बहुत अच्छा कंडीशन में है और यहाँ भी कुछ हुआ नहीं था बस वो थोड़े से निप कर रहे थे तो स्ट्रेस में आ चुकी थी तो वो शॉपकीपर ने उसे रख लिया और वो उसे स्ट्रेस हील वाला ड्रॉप डाल के दे दिया और वो रखा हुआ है उसके पास और मैं सोच रहा हूँ कि देख सकते हैं मेरा टैंक थोड़ा सा खाली लग रहा है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसमें मैं कौन सी फ़िश रख सकता हूँ जो कि ज़्यादा बड़ी भी ना हो और हरवाना बिल्कुल मत कहिएगा क्योंकि अरवाना इसमें बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है अरवाना के हिसाब से देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी फिश है एक आर है चार पैरेट है दो बड़ी बड़ी ऑस्कर है एक सेवरम है तो और एक येलो सिगलेट थी तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा है हमें हमारा टैंक तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ और फिश डालूँ मैं मतलब एक या दो एक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन अगर जो छोटी होगी तो हम उतना माइंड कर सकते हैं तो आप ऐसी फिश बताएं कि जो ज़्यादा बड़ी भी ना और ये हमारे जो थू खूंखार आदमी है उससे बच के रहे और वो इसके से कम्फर्टेबल रहे और मैं पैरोट नहीं लाना चाहता क्योंकि पैरोट बहुत सारी है मेरे पास तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसमें मैं क्या करूं और कौन सी फिश डालूं और अगर आपको डेकोरेशन में कुछ चेंज करवाना है तो भी बता सकते हैं और मैंने देख सकते हैं ये रखा था लेकिन इसमें अभी तक किसी ने अंडा नहीं दिया हमारी ये भी नहीं दी क्योंकि इसे पंद्रह दिन हो चुके हैं फिर भी ये एगले नहीं कर रही अभी तक क्योंकि इसका पंद्रह से बीस दिन का इंटरवल होता है ऐसा मैंने पढ़ा था लेकिन अभी तक तो ऐसा इंटरवल इनका आया नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कि इसमें कौन सी फिश अच्छी लग सकती है और क्या डाल सकते हैं और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं इसमें एक इंटरनल फिल्टर भी लगा दूँ क्योंकि ये जो सम्प है हमारा अभी काफ़ी दिन से बंद है क्योंकि वो मोटर बार बार खराब हो ही जा रहा है मैंने अभी फिर लगाया था फिर खराब हो गया तो मैं सोच रहा हूँ एक इंटरनल फिल्टर जो बड़ा सा होता है लंबा सा होता है वो वाला लगाऊँ या फिर आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उसमें कौन सा फ़िल्टर लगाऊँ वो लंबा वाला या फिर वो जो ऊपर आता है उसे क्या फिल्टर कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है टॉप फिल्टर कहते हैं उसे तो मैं वो लगा सकता हूँ तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो, जो मेरा टैंक है छः फिट का है लेकिन सिर्फ साढ़े पाँच फिट में ही है पानी और बाकी जो आधा फिट है वो हमारा सम्प एरिया है तो देख सकते हैं हमारी फ़िश तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है वैसे ऐसे कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं और अच्छा रखना चाहता हूँ पानी की कंडीशन और आपको मैं ऑस्कर के स्केल दिखाता हूँ देख सकते हैं कितना तो ज़्यादा सुंदर है औरजिश ये देखिए बहुत ही ज़्यादा और जो हमारा ये अलबीनो ऑस्कर है देख सकते हैं इसके भी बहुत अच्छे कलर आ रहे हैं और हमारे पैरेट के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर है और आर भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है देख सकते हैं ये देख सकते हैं इसका सर पे कितना बड़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्विम कर रही है और अच्छा कर रही है और अभी तक किसी को हर्ट नहीं किया है बस वो हमारी छोटी सी जो फिश थी उसे ये हर्ट कर रहा था और ये और पैरोट तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते तो चलिए आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कर सकते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं और एक और छोटी सी अपडेट है मैं आपको देने वाला हूँ वो भी तो चलिए उसे मुझे आपको बाहर ले जाना पड़ेगा उसके लिए तो चलिए चलते हैं बाहर तो वो अपडेट यहाँ पे है मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या चीज़ है आपको जैसे पता होगा ये हमारा मिनी पॉइंट था छोटा सा लेकिन अब इसमें कोई फिश नहीं है क्योंकि वो बच्चे के कारण तो लेकिन आपको एक फ़िश दिख रही होगी इसके अंदर वो कौन सी फ़िश है मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमने तिलापिया टंकी से निकाला था और दिक्सक ये प्लांट अभी तक अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये उस टाइम के प्लांट है जब इसमें गप्पियाँ थी लेकिन अब इसमें गप्पियाँ नहीं है क्योंकि वो बच्चा सारा ले गया और ये पत्ते भी वही बच्चा डाल के गया है और मैं आपको दिखाता हूँ तिलापिया फिश कहाँ पे है तो ये देखिए वहाँ पे तिलापिया फ़िश है देख सकते हैं वो रही है तक कोने में जाके आपको निकाल के दिखाता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे आता है इस वजह से वो डरी हुई है आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी तिलापिया फ़िश को मैंने कहाँ कर दिया था तो वो यहीं पे है देख सकते हैं कोने पे है लेकिन वो दिख नहीं रही अभी अच्छे से चलिए मैं उसे थोड़ा हटाता हूँ और आपको लोगों को दिखाता हूँ कि तिलापिया फ़िश कैसी है और कितनी बड़ी हो चुकी है और उसका क्लोज भी दिखाता हूँ तो पता नहीं अचानक से ये फिश कहाँ चली गई मुझे दिख भी नहीं रही है मैंने सब जगह देख लिया फिर भी मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है मछली पता नहीं कहाँ चली गई तो बहुत छोटी सी झलक दिखी आप लोगों को लेकिन हम इसे फीडिंग दे देते हैं वो अपने आप अप खा लेगी आके हम इसे का फूड ही देते हैं ये देखिए तो चलिए इसे पर छोड़ देते हैं नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी मछली फिर डेथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है हमारे घर में इसलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं करते फिश को वो धीरे से आगे खा लेगी मैं आपको ज़रूर शॉर्ट्स में दिखा दूँगा अगर ये बाहर आएगी तब मैं अभी कुछ टाटा वाला नहीं इसका जो भी अंदर रखा हुआ है इसलिए तो यही थी आज की वीडियो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं अपनी मॉन्स्टर टैंक में कौन सी फिश ऐड करूँ तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय